बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, या आप 2019 से लेकर 2023 तक कभी भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्ज़ाम उत्तीर्ण किए हैं और आपको जो मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया और इंटर की बोर्ड एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने पर छात्राओं को जो 25,000 रुपया मिलता है, उसके लिए वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है 2019 से लेकर 23 तक। अब ऐसे में जिन छात्र छात्राओं का आवेदन हो चुका है और उनके मन में प्रश्न ये आ रहा था कि हमारे खाते में पैसा कब से आएगा, तो अब आपके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 400 करोड़ रुपया की मंजूरी मिला है सभी छात्र छात्राओं के खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने के लिए। तो जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2019 से लेकर 2023 तक किसी भी वर्ष उत्तीर्ण किए हैं और जिनका फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट हो गया है, तो उनके खाते में पैसा भेजे जाने की शुरुआत हो चुका है। मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले सिर्फ 2019 से लेकर 2022 तक के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हुआ है, लेकिन जो 2023 में उत्तीर्ण किए उनके लिए भी इसी महीने में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। तो कैसे आपको चेक करना है कि आपके खाते में पैसा आया है कि नहीं, उसके साथ साथ आपका फॉर्म कहीं किसी कारणवश से रिजेक्ट तो नहीं हुआ, कि आपके फॉर्म में सभी जानकारी सही, आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है, उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा। तो मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बार बार बता रहा हूं, 2019 से लेकर 2022 तक जो भी जिस वर्ष में आप उत्तीर्ण किए, तो आपके लिए अगर आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को पैसा मिलता है तो उनको 2019 से लेकर 2023 तक के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो चुका है। तो कैसे अपने मोबाइल फोन से चेक करेंगे अपने फॉर्म का स्टेटस कि आपका पैसा आया है कि नहीं, आपका फॉर्म में सभी जानकारी सही तो भराया है, उसके साथ साथ मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है क्योंकि जल्द ही आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगा, तो इन सभी जानकारी के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। सर्च बॉक्स में आपको आना है और इस चैनल का नाम ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से जो मैं स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ इस तरह AR Career Point आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। जैसे ही ऐसे AR Career Point टाइप करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा और AR Career Point.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। वहीं आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे स्कॉलरशिप का सेक्शन बना मिल जाएगा। मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि 2023, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। सही, आप क्लिक करेंगे आपके सामने मैट्रिक पास छात्र छात्राओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत कब से होगा पूरा जानकारी ओपन हो जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना रुपया मिलेगा। और यहां से देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे 2019 से लेकर 2022 तक के छात्र छात्राओं के लिए आवेदन हो रहा है लेकिन 2023 में जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण किए उनके लिए जल्द ही पोर्टल ओपन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो बना है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे मैट्रिक वाले पोस्ट पे आना है ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे है देखिए क्लिक हियर, सिंपल सा आपको ऑफिशियल वेबसाइट के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। के सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 10th past 2022 वाला हो रहा है, 21 वाला, 20 वाला, 19 वाला, 2023 वाला जल्द ही शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर आकर चेक करते रहिएगा। यहाँ पे ऊपर एक लिंक आएगा ऐसे, जैसे इंटर में देखिए दिखा रहा है कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023, तो इसी तरह उसमें मैट्रिक वाला में भी लिंक आएगा, तो आप समझिएगा आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। यहाँ पे देखिए इंटर का 2019, 20, 21, 22 सभी के लिए आवेदन हो रहा है। सभी छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए 2019 लेकर 2023 तक, तो आपके खाते में अगर आपका फाइनल रूप से फॉर्म सबमिट हो चुका है तब आपके खाते में पैसा आने की शुरुआत हो चुका है। आपको स्टेटस चेक करना है, इसके लिए यहां पे देखिए बिहार बोर्ड इंटर पास प्रोत्साहन राशि 2023 जो लिखा है, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक कर थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ यहां पे बढ़िएगा तो यहां पे पूरा अपडेट वगैरह बताया जा रहा है और यहां पे आइएगा तो देखिए लिखा गया व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहां पे क्लिक हियर है, देख लीजिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस यहां पे है, क्लिक हियर, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है जो आपका 12 में था रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। चलिए एक छात्रा का यहाँ पे मैं टाइप करके और सर्च बटन पे क्लिक करके आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। जैसे इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर अपना सही टाइप करके यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपका करंट स्टेटस आ जाएगा। यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आएगा देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सभी चीज अगर आपका वेरीफाइड
होगा, तो इस कॉलम में और इस कॉलम में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसी तरह आपका सभी चीज़ यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन कलर में आएगा कि आपका सभी चीज़ वेरीफाइड है। यहाँ पे लिख रहा है जो वेरीफाइड है, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे सभी चीज़ अगर आपका भी वेरीफाइड रहेगा तो इसी तरह आपका शो होगा। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अगर हर सभी जानकारी आपका इसी तरह शो हो रहा है, कहीं पर कुछ भी रिजेक्टेड नहीं लिखा है, तब आपको समझना है कि आपका फॉर्म पूरा तरह सबमिट हो चुका है, आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यस बताया जा रहा है कि फाइनलाइज्ड फॉर्म इसका हो चुका है। यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फाइनलाइज्ड, तो यस इस पे लिखा आना चाहिए। किस डेट को हुआ है ये भी बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट स्टेटस, यहाँ पे सबसे अंतिम में बना है पेमेंट स्टेटस, तो इसमें लिख रहा है अभी इन प्रोसेस, मतलब इस छात्रा के खाते में भी पैसा नहीं आया है। जैसे ही यहाँ पे लिखेगा पेमेंट डन, वैसे ही आपके खाते में समझिए पैसा आ चुका है। आपको जाकर अपना अकाउंट नंबर चेक करना है, और इन प्रोसेस लिखा है इसका मतलब प्रोसेस में जल्दी इसी मंथ में इसके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। तो ऐसे आकर पूरा आपको अकाउंट स्टेटस चेक करना, अगर कुछ भी यहाँ पे रिजेक्टेड है तो यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और फिर से उसमें सुधार कराना होगा, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें, तो जितने भी छात्र छात्राएं आपके मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए और जिनको प्रोत्साहन राशि मिलता है 10,000 और 25,000 रुपया, तो इसके लिए आपके जो 2019 से लेकर और 2023 तक इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं के लिए, जिनको किसी कारणवश मान लीजिए 2019-20-21-22 में पैसा नहीं मिल पाया था और जो 2023 में लेटेस्ट उत्तीर्ण किए हैं, तो उन सबके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रहा है और उनका अगर फॉर्म फाइनलाइज्ड हुआ है तो पैसा भेजे जाने की भी शुरुआत हो चुका है। और वहीं पर जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए, तो उनके लिए 2019 से लेकर 2022 तक के छात्र छात्राओं के लिए आवेदन हो रहा है वर्तमान में। 2023 वालों के लिए जल्द ही पोर्टल ओपन किया जाएगा, क्योंकि 400 करोड़ रुपये की राशि मंजूरी हो चुका है सिर्फ प्रोत्साहन राशि देने के लिए। तो जल्दी 2023 के लिए भी इसी मंथ में पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। आपको अगर आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं तो आपको क्या करना है, arcareerpoint.com वेबसाइट पे आना है और जैसे मैंने बताया वैसे चेक यहां से कीजिएगा। अगर आप 2023 में उत्तीर्ण किए हैं, 2019 से तो 2022 के लिए आवेदन हो रहा है, लेकिन जो 2023 में उत्तीर्ण किया है ऐसे चेक कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। अगर वहाँ पर 2023 का जब लिंक आएगा तभी आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं जो छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं 2019 से लेकर 23 तक, तो आपको फॉर्म वगैरह भरना है या अपने पैसा की स्थिति चेक करना है, तो जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में आके बिहार बोर्ड इंटर पास प्रोत्साहन राशि पे क्लिक करके अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। अगर जैसे मैंने दिखाया वैसे सभी चीज सही शो कर रहा होगा तो आपके खाते में जल्दी पैसा आ जाएगा। तो यहां से आकर सभी काम कर लीजिए, ऐसे जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।